हेलो फ्रेंड्स, जीके एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, मगर परेशानी ये होती है कि हम पढ़ें क्या, कोई बाउंड्री तो है नहीं। तो हम आपके लिए ये इजी कर देते हैं, और ये जितने भी हम वीडियोस इधर डाल रहे हैं सारे स्टेट्स का, क्योंकि आपको सबसे बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए जनरल नॉलेज की, वो है हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं, उसके चीफ मिनिस्टर्स कौन हैं, सभी स्टेट्स के एडजॉइनिंग स्टेट्स कौन से हैं, एडजॉइनिंग कंट्रीज कौन से हैं, सभी स्टेट्स के फेस्टिवल क्या है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, उनके डांसेस क्या हैं, सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे प्रीवियस एग्जाम्स के, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी एरिया से क्वेश्चन आते हैं। इसको कैटर करने के लिए, इस नीड को फुलफिल करने के लिए, वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड वेरियस वीडियोज, राइट, एक एक स्टेट पे, खास करके नॉर्थ ईस्ट से हमने स्टार्ट किया है, और नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स के बारे में हमने डिटेल में समझाया है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहां भी किए। अभी हम आपके पास लेकर आए हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, राइट। चाय सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है, या लार्ज कार्डामम किस स्टेट में सबसे ज्यादा होता है, राइट, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ही ये जानकारियां आपको मिलेंगी। बुद्धिज्म का सबसे बड़ा मोनास्ट्री कहां पर है, या हमारे देश में सूरज सबसे पहले कहां दिखाई देता है, ऐसे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहां मिल जाएंगे। ये 100 क्वेश्चंस को पार्ट में कर दिया है ताकि आपके लिए इजी हो समझना, और अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट वन से, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट वन के बारे में और देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये जान ले कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन से हैं, राइट। तो यहां आपके पास आ रहा है जीके क्विज ऑन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑफिशियली इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या NER। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इट कंप्राइजेस 8 स्टेट्स। पहले इसमें 7 स्टेट्स हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब सिक्किम को जोड़ लिया गया तो कहा ऐसे जाता है कि पहले 7 सिस्टर्स थी, अब उनका एक ब्रदर आ गया, वो आठवां, वो है सिक्किम। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से 8 स्टेट्स मिलाकर ये बोला जाता है। कौन कौन से हैं ये आप देखिए यहां पर, अगर आप मैप देख रहे हैं वहां से भी मिल जाएगा, और मैं आपको बता भी देता हूं। यहां देखिए अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, ये 3 हो गया। आप इसे आम बोल सकते हैं, ऐसे आपको याद हो जाएगा, आम, राइट, एक अच्छा फ्रूट है, ऑलमोस्ट सभी को पसंद है। तो अरुणाचल, आसाम, मेघालय इज आम। हियर यू कैन, इन शॉर्ट यू कैन लर्न लाइक नामामी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और एक बच जाता है यहाँ पे त्रिपुरा। इस तरीके से ये 7 आपको याद हो जाएगा, आम, नामामी एंड त्रिपुरा, और आठवां तो ब्रदर अभी आया है अलग से, वो सिक्किम। इस तरीके से 8 स्टेट्स आपको याद हो जाएंगे, राइट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं, बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, मोर देन 220 एथनिक ग्रुप्स हैं। सबके अपने कल्चर है, अपना डांस फॉर्म्स है, अपना रिलीजियस नॉर्म्स है, और कुछ ऐसी जबरदस्त चीजें हैं वहां पे कि जब मैं इसके लिए आपके लिए वीडियो बना रहा था तो देखकर हैरान था। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये जो लड़कियों के जूतियों की तरह नजर आ रहा है, ये एक्चुअली फूल है वहां, ये फ्लावर है, राइट। ये देखिए, ये प्यारा सा, ये पांडा है, रेड पांडा, जो नॉर्थ ईस्ट में ही मिलता है। अब कहाँ मिलता है, कौन सा स्टेट में मिलता है, यही सब सारी चीजें तो हम आगे जानेंगे। इन दो लेडीज की आप मुस्कान देखिए, बिल्कुल मेस्मराइजिंग है। ये वहां का कल्चर है, तरह तरह के कपड़े लोग पहनते हैं, ये डांसेस बहुत सारे हैं वहां पे, और इन सबके ऊपर ये एक छोटी सी नॉर्थ ईस्ट की बच्ची है। इसे एक बार देखेंगे तो शायद कुछ देर तो आपका इस पिक को ही देखने में लग जाएगा। तो चलिए, बहुत ही प्यारा जगह है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बहुत ही हरा भरा, पहाड़, नदियां, सब चीजें हैं। तो सब हम देखते हैं कहां पर क्या है, और हम इसे समझेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, राइट। पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, टिल 1826 आसाम वॉज पार्ट ऑफ। अब आसाम ये ना समझे आप कि यही आसाम, ये पूरा एरिया, इतना बड़ा एरिया आसाम था, तो किस कंट्री के का वो पार्ट था। बाद में अंग्रेजों ने उस देश से छीन लिया था इसे, और जब अंग्रेज चले गए तो वो हमारे देश का पार्ट हो गया। तो टिल 1826 आसाम वॉज पार्ट ऑफ विच कंट्री, म्यांमार, चाइना, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। एंड द राइट आंसर इज म्यांमार। सेकेंड क्वेश्चन आता है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट।
ये सेवन स्टेट्स और यहाँ पे ये सिक्किम मिला करके आपको बताना है कि सबसे बड़ा यानी एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, सिर्फ आसाम और अरुणाचल में ही आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा के केस में। और सबसे बड़ा है अरुणाचल प्रदेश, 83,743 स्क्वायर किलोमीटर। स्टूडेंट्स, ये डाटा रटने के लिए नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं आएगा, मैं उम्मीद करता नहीं हूँ कि ये किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। बस आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, वो है अरुणाचल प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन है, द टाइनी टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। कई बार आपके एग्जाम में आएगा कि हमारा सदर्न मोस्ट टिप पे कौन सा जगह है, या नॉर्थ में सबसे ऊपर क्या है, ईस्ट और वेस्ट में। इसी तरीके से ईस्ट साइड में, ईस्टर्न साइड में, यानी अरुणाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा जगह है जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बनाता है इंडिया का। इसका नाम क्या ताइगू है, या तवांग है, किबीतु है, या कारितु है? एंड द राइट आंसर इज किबीतु, किबीतु। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एग्जाम में इसमें ऑप्शन किबीतु की बजाय वो आपको देंगे वलांगू। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर किबीतु है तब तो किबीतु मार्क करेंगे, अगर वलांगू है तो उसे भी मार्क करें, वही आपका राइट चॉइस होगा। फोर्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसे। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट नागालैंड, इसमें से नागालैंड के बारे में कौन सा गलत इंफॉर्मेशन है। नंबर वन, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड, ये तो बिल्कुल राइट है। नागालैंड इज निकनेम्ड एज फाल्कन स्टेट, बिल्कुल उसका निकनेम फाल्कन स्टेट ही है। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन इन नागालैंड, ये गलत है क्योंकि कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में आता है। और लास्ट वाला तो राइट होगा फिर, नतांगी इज अ फेमस नेशनल पार्क ऑफ नागालैंड। सो द रॉन्ग चॉइस इज, विच इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन, कंचनजंगा, द सी ऑप्शन। राइट स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है कि नागालैंड का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, माउंट सारामती, माउंट सारामती। फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब यहां पे नॉर्थ ईस्ट, अगर बहुत पुराने क्वेश्चन आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब सेवन स्टेट्स ही होता है, लेकिन अब क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये सेवन स्टेट्स प्लस सिक्किम। तो उस केस में यहां पे अगर पुराना क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आंसर त्रिपुरा मिलेगा, लेकिन सिक्किम जो है नॉर्थ ईस्ट का सबसे छोटा स्टेट है, इससे भी छोटा गोवा है, लेकिन गोवा वो सेंट्रल इंडिया में पड़ेगा, ये नॉर्थ ईस्ट का पूछ रहा है। हमारे देश का सबसे छोटा स्टेट है गोवा, सेकंड है सिक्किम, थर्ड है त्रिपुरा। राइट, तो यहां आंसर आपका सिक्किम होगा। और अब हम आ गए सिक्स्थ क्वेश्चन में, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस जगह है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, आसाम में, या मेघालय में? एंड द राइट आंसर इसका यहाँ ऑलरेडी आ गया है, आसाम। यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नाउ विच स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इसमें से कौन सा सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर? मैंने अभी बताया आपको, सिक्किम जो है उसका ब्रदर माना जाता है, सेवन सिस्टर्स प्लस वन ब्रदर, वन ब्रदर ये सिक्किम ही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। बाकी ये तीनों सेवन सिस्टर्स के पार्ट है। राइट, सिक्किम आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, फाइंड द ऑड वन, इसमें कौन सा मैच गलत है। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, बिल्कुल राइट, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर। नागालैंड, आइजॉल, ये गलत है, नागालैंड का होता है कोहिमा। और सिक्किम, गैंगटोक राइट है, मणिपुर, इम्फाल राइट है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पूरे के पूरे 8 स्टेट्स जो वहां है उसके कैपिटल बिल्कुल रट जाइए, ध्यान से रट जाइए। यहाँ लिस्ट भी दे रखा है, यहाँ भी पिक में भी आपको थोड़ी देर पॉज करके इसको देख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर कैपिटल है उसका, आसाम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, इधर आएंगे नागालैंड कोहिमा, यही गलत था, वहां आइजोल दिया है जो कि मिजोरम का कैपिटल है, मणिपुर इम्फाल, और एक बच का यहाँ पे त्रिपुरा अगरतला, सिक्किम का गैंगटोक यहाँ पर है। राइट, तो ये पूरे 8 स्टेट्स आप याद रखेंगे, और साथ में थोड़ा सा समय देंगे समझने के लिए आसाम से सटे हुए कौन कौन से स्टेट है, वैसे ही त्रिपुरा या सारे जो भी आप स्टेट्स पढ़ते हैं उसके आसपास कौन से स्टेट्स है या कंट्री है, जैसे सिक्किम है,
इसके तीन तरफ दूसरे देश हैं, यहाँ पे भूटान है, ऊपर में चाइना टिबेट है, इस तरफ में नेपाल है। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे चाइना है, इस तरफ में म्यांमार है। तो आप एडजॉइनिंग स्टेट्स, एडजॉइनिंग कंट्रीज के बारे में जरूर ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया नाइन्थ, द टर्म टेरेस फार्मिंग इज रिलेटेड विद। टेरेस फार्मिंग या फिर स्टेप फार्मिंग, ये दोनों सेम चीज है, स्टेप फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? पैडी से, वीट से, टी से, या बालकनी में जो आप प्लांट्स लगाते हैं उससे? टेरेस वर्ड से लगता है ऐसा, लेकिन नहीं, टेरेस फार्मिंग इज रिलेटेड विद टी, चाय। यहाँ देखिए चाय का फोटो है, क्योंकि चाय के पौधे के लिए उसके रूट पे पानी तो चाहिए बट रुकना नहीं चाहिए, वो चलते जाना चाहिए। इसलिए पहाड़ों पर ऐसे स्टेप्स बना करके इसकी फार्मिंग होती है, इसलिए इसको टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं और इसको स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं। ये देखिए स्टेप फार्मिंग। नाउ कम्स द 10th क्वेश्चन, व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय प्लेट्यू। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फिर हो गया आपके लिए। व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय प्लेट्यू। मेघालय में तीन माउंटेन्स है या तीन हिल्स है, जो आप बोले, गारो, खासी और जंतिया। यहां पर जो पहाड़ है तीन, तो उसमें से कौन सा सबसे ऊंचा पहाड़ है मेघालय का? शिलोंग पीक है, नॉकरेक पीक है, मनसालूर पीक है, या नन ऑफ दीज? एंड द राइट आंसर इज शिलोंग पीक। शिलोंग पीक ये एक ऐसा पीक है जहां से, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का एक बेस बना हुआ है, ये खासी हिल्स पर पड़ता है और यहां से पूरा शिलोंग दिखाई देता है। इसका हाइट है 1961 मीटर और गारो हिल्स का सबसे ऊंचा है नॉर्केक पीक और ये है 1515 मीटर। तो पूरे मेघालय में सबसे ऊंचा पीक जो है वो है शिलोंग पीक 1961 मीटर। नाउ 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द फोक डांस ऑफ मेघालय। इसमें से कौन सा मेघालय का एक्सक्लूसिव फोक डांस है? नोंगक्रेम, लावणी, छाऊ या सिंघी छाम? ये लावणी तो नहीं हो सकता, ये हमारा महाराष्ट्र साइड में है। छाऊ जो डांस है ये वेस्ट बंगाल या कुछ पार्ट उड़ीसा में ये होता है। सिंघी डांस, आइए देख लेते हैं ये चारों का और इसका राइट आंसर क्या है, मेघालय का कौन सा है। मेघालय का है नोंगक्रेम डांस। इट्स अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेशन फॉर फुल वीक, एक हफ्ते तक ये चलता है और ये खासी लोग करते हैं इसमें। नॉर्मली दिसंबर में, 1 से 10 दिसंबर के आसपास में ये होता है, ये रिलीजियस फेस्टिवल है। वैसे लावणी महाराष्ट्र साइड में, छऊ बंगाल साइड में और सिंघी छाम ये सिक्किम में, सिक्किम ये डांस फॉर्म है, राइट। 12th क्वेश्चन आ जाता है यहाँ, विच इज द फेमस डांस ऑफ मिजोरम। अब इसमें से मिजोरम का कौन सा मेन डांस है? और यहाँ फिर आंसर आ गया आपके पास, चिराओ है इसका राइट आंसर, चिराओ। बिहू तो आपको आसाम का हो गया, ये तीन बार ये फेस्टिवल मनाया जाता है। धूमल मैं भी नहीं जानता ये क्या, किस तरह का डांसर कहाँ का है। तो चिराओ इज द राइट आंसर, चिराओ याद रखिए। अ डांस दैट इन्वॉल्व्स मेन होल्डिंग बैम्बूज ऑन द फ्लोर। ये देखिए मेन बैम्बूज रखते हैं और इस पे गर्ल्स इस पर डांस करती है। इस डांस की एक खासियत बता दूं, इसमें कोई म्यूजिक नहीं होता। ये एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें कोई म्यूजिक नहीं होता, तो जो बैम्बूज के आपस में लगने से जो आवाजें आती हैं वही अपने आप में एक रिदम बनाता है, वही अपने आप में एक एक सॉन्ग की तरह आप समझ ले उसे। बट कोई म्यूजिक नहीं होता, कोई साज बाज ऐसा नहीं होता। ये जो पीछे भी आप देख रहे हैं पिक्स, नहीं वो कोई साज नहीं बजा रहे, वो शायद यूं ही टहल रहे होंगे वहां। तो चिराओ अ डांस दैट इन्वॉल्व्स मेन होल्डिंग बैम्बूज ऑन द फ्लोर। फिर और दो और भी डांस है मिजोरम के, वो भी याद रखिएगा। खुलम, खुलम बोथ मेन एंड वीमेन पार्टिसिपेट एंड सेलिब्रेट हंटिंग। जो वो लोग हंटिंग करते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए खुलम डांस होता है। चाय, यहाँ चाय वाय नहीं पीते, ये कोई टी पार्टी नहीं होता, ये डांस फॉर्म का नाम है मिजोरम का। एन इम्पॉर्टेंट डांस ड्यूरिंग छपचार कुट फेस्टिवल। छपचार कुट एक मेजर फेस्टिवल है मिजोरम का, उस समय में ये डांस होता है। विच इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? इंडस रिवर नॉर्थ ईस्ट में जाता ही नहीं है। गोदावरी ये साउथ इंडिया में है। अब ब्रह्मपुत्र, देखिए सतलज ये पूरा कश्मीर साइड में है, तो ब्रह्मपुत्र एकमात्र बचता है।
ये ब्रह्मपुत्र रिवर निकलता कहाँ से वो भी याद रखिएगा, और वो है मानसरोवर से जो तिब्बत में है। वहां से तीन नदियां निकलती हैं, वहीं से इंडस भी निकलता है, वहीं से ब्रह्मपुत्र भी निकलता है और वहीं से सतलज भी निकलता है। याद रखिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो हमने डाल रखा है इंडियन रिवर सिस्टम पे, और नॉर्थ साइड के सारे रिवर्स को एक जगह बताया है और पेनिनसुलर रिवर्स को एक और वीडियो में बताया है। इसे पूरा देख ले, और एंड में उसके भी काफी सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको पढ़ने से पूरे रिवर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। उनके क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ से वो निकलती हैं, किस जगह वो जाकर के वो गिरती है, फिर क्या वो अरेबियन सी में गिरती हैं या फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का विच इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड द राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र, जो मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। एक है नाथुला, नाथुला पास इज अ माउंटेन पास, इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये किस राज्य में है, क्या सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में है या नागालैंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको जरूर ध्यान से याद रखिएगा। एंड द राइट आंसर इज सिक्किम। नाथुला इज अ माउंटेन पास इन हिमालयस इन सिक्किम, इट कनेक्ट सिक्किम विद चाइनाज टिबेट ऑटोनोमस रीजन, चाइना का जो टिबेट वाला पार्ट है उसको ये दोनों कनेक्ट करता है। ये द पास, ये जो पास है ये 4310 मीटर अबव द सी लेवल है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द ऑफशूट ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे सिल्क रूट के बारे में, वो यही रास्ता है जो सिक्किम से होते हुए तिब्बत में या सेंट्रल एशिया में ट्रेड हुआ करता था इतिहास में। राइट, 15th क्वेश्चन, यहाँ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली, आइलैंड क्या होता है जिसके चारों तरफ सब तरफ में पानी होता है। राइट, तो रिवर में कौन सा सब दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है जिसका नाम है मजूली। तो इसका नाम तो यहां दिया हुआ है, आपको ये बताना है किस रिवर पे है। तो यहां लोहित है, ब्रह्मपुत्र, पद्मा और गंगा, और राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में मजूली आइलैंड सबसे बड़ा वर्ल्ड का रिवर आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, Which out of these does not share boundary with Assam? इसमें से कौन सा आसाम का बाउंड्री नहीं बनाता, यानी आसाम से लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ देखिए आसाम से पहला है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल ये आसाम से बिल्कुल सटा हुआ है, नागालैंड भी सटा हुआ है, और एक मणिपुर दिया, मणिपुर भी सटा हुआ है। तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, ये तीनों तो आसाम से सटे हुए हैं, लेकिन ये सिक्किम काफी दूर है, इसके बीच में भूटान आ जाता है, तो आसाम से सटा हुआ ये नहीं है। तो राइट आंसर इसका सिक्किम हो गया। नेक्स्ट आता है, फॉर हाउ मेनी टाइम्स द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड इन एन ईयर इन आसाम, ये कितनी बार साल में ये मनाया जाता है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि बिहू किस राज्य में मनाया जाता है, वो तो आंसर हो गया आसाम, लेकिन काफी यूनिक है कि ये साल में तीन बार मनाया जाता है। एक बार जब उनका साल शुरू होता है, ईयर जब स्टार्ट होता है, एक बार जब फसल वो लगाते हैं तब, और एक बार जब फसल की कटाई करते हैं तब, ये तीन बार इस फेस्टिवल को मनाते हैं। राइट आंसर इसका थ्राइस है, और ये देखिए कितने खुशहाल हैं ये अपने ये डांस फॉर्म्स में। राइट नाउ, ऑन विच रिवर इज द खैंडोंग डैम बिल्ट, अगेन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया ये। खैंडोंग डैम किस रिवर पर बना हुआ है, और इसका राइट आंसर है कोपिली। कोपिली इज द राइट आंसर। कोपिली रिवर इज एन इंटर स्टेट रिवर, ये दो स्टेट में होकर गुजरता है, इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट फ्लोस थ्रू द स्टेट्स ऑफ मेघालय एंड आसाम, मेघालय और आसाम से होते हुए जाता है। और ये जो रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर का, ब्रह्मपुत्र का ये ट्रिब्यूटरी है। तो कोपिली रिवर पे खैंडोंग डैम बना हुआ है। 19th question, which state has Digboy, the biggest and the oldest mineral oil well in India? देश में सबसे पहला तेल का कुआं Digboy जो है वो किस राज्य में है, कहां पर इसे पहला, तो ये पहला Digboy तेल का कुआं मिला था। तो राइट आंसर इज आसाम, ऑप्शंस तो यहां थे, आसाम इज द राइट आंसर। राइट, और ये लगभग इस एरिया में, आसाम के भी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, यहां पर ये मिला है इसको। नाउ नेक्स्ट है,
which is the capital of Assam? This should be quite easy, but not for many. बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं आसाम के कैपिटल को लेके. इसका राइट आंसर है दिसपुर, लेकिन कई लोग इसको गुवाहाटी भी समझते हैं. गुवाहाटी एक्चुअली सबसे बड़ा टाउन है आसाम में, सबसे बड़ा जगह है और काफी हैपनिंग प्लेस है, लेकिन कैपिटल की बात करो आप तो दिसपुर इज द राइट आंसर. राइट नाउ 21st क्वेश्चन, बोडो ट्राइब हु आर डिमांडिंग सेपरेट स्टेट ऑफ बोडोलैंड आर इन. ये बोडो ट्राइब किस राज्य में है जिनका डिमांड है बोडोलैंड का? क्या वह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और आसाम है? द राइट आंसर इज आसाम. आसाम में ये इसका डिमांड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? केरल में भी चाय होता है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में भी होता है. केरल में मुन्नार बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ काफी चाय की उत्पादन होता है. चेन्नई एंड आसाम, एंड द राइट आंसर इज आसाम. इंडिया में मोर देन 55% जो चाय का उत्पादन होता है वो आसाम में होता है. राइट नाउ द 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विद अरुणाचल प्रदेश? इसमें से कौन सा कंट्री अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ नहीं है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ कौन कौन सा कंट्री है? यहां भूटान है, इधर चाइना है, इधर म्यांमार है, बांग्लादेश यहां पर है. अरुणाचल और बांग्लादेश के बीच में कई स्टेट्स आ जाते हैं. सो द राइट आंसर विल बी चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार. ओके, हियर ऑप्शन में यहां पर नेपाल दिया हुआ है. नेपाल भी दूर है, अरुणाचल से सटा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन में यहाँ नेपाल है, वही राइट आंसर होगा इसका. 24th क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश वॉज ऑल्सो नोन एज. जब अरुणाचल प्रदेश 1947 के बाद हमारे देश का पार्ट था तो उसका नाम उस समय क्या था? उस समय इसको अरुणाचल प्रदेश नहीं कहते थे, तो फिर क्या कहते थे? NEFT या NAFTA या NEFA या इनमें से कोई नहीं. लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ दिया हुआ है NEFA. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इज द राइट आंसर. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. नाउ द 25th क्वेश्चन, विच कंट्री शेयर्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न बाउंड्री कौन सा कंट्री शेयर करता है? अब तो इजी होना चाहिए आपके लिए यहाँ पे, एंड द राइट आंसर इज म्यांमार. ये देखिए, यहाँ पर म्यांमार है और ये ईस्टर्न बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश का, तो राइट आंसर इज म्यांमार. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.